हाय फ्रेंड्स, मेरी ना सिलाई ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको सिलाई लॉन्ग कुर्ती बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने 2 मीटर कपड़ा ले रखा है। इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर रखा है। इस तरीके से आपको भी डबल फोल्ड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरा लेंथ ले रखा है 14 इंच। तो हम 14 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7 इंच पे और 14 इंच पे और 21 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें इस कुर्ती को लाइन जहाँ पे हमने खींची थी वहाँ पे स्केल से लाइन सीधी खींच लेंगे। खींचने के बाद शोल्डर के पास भी हमें यहाँ भी खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, हमें ये कुर्ती कॉलर वाली बनानी है। तो कॉलर वाली के लिए हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम 6 इंच पे लेंगे आर्म होल बनाने के लिए। यहाँ पे हमें चेस्ट की है यहाँ पे 19, तो हम 19 का आधा करेंगे 8.5 इंच, 8.25 इंच लेंगे। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। 9 इंच पे कमर है 14, तो 14 15 का आधा करेंगे 7.5 आएगा। और यहाँ पे हमने सेम वही मार्क करना है 9 इंच पे। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम स्केल से इसे लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से हमें लाइन खींचनी है। देखिए, यहाँ पे हमें लाइन खींचने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें 1.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम स्केल रख के इस तरीके से स्केल से 1.5 इंच के मार्जिन पे हमें सिलाई रखने के लिए, कटिंग करने के लिए रखना है। और अब हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे गोल शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इस तरीके से पूरी कट कर लेनी है। यहाँ पे दामन के पास भी पूरी नीचे के साइड भी कट कर लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे कि हमारा निशान है कि यहाँ तक हमारी सिलाई होगी। तो हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हमारी कुर्ती इस तरीके से दिखेगी। हमें आपको यहाँ पे फ्रंट का कॉलर वाले कट करके बताती हूँ। तो फ्रंट के कॉलर वाले के लिए हमें आगे का गला कट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, लंबाई भी 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच लेने के बाद हम इसे गोल शेप कर देंगे। गोल शेप करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ एक बार और। देखिए, इस तरीके से गोल शेप आ जाएगा। इसके बाद हमें एक बीच में लाइन खींचनी है, बीच सेंटर में 7 इंच के लिए। तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे 7 इंच के लिए। तो मैं आपको खींच के दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे स्केल से लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हम यहाँ से स्केल से लाइन खींच के सीधी कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की सीधी करने के बाद अब हम इसे खोल के कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने लाइन खींच ली है। यहाँ से यहाँ तक के हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारे फ्रंट का कुर्ती है। फ्रंट का ये हमने दोनों कुर्तियाँ फ्रंट और बैक का कट कर लिया है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताने वाली हूँ। तो आस्तीन की कटिंग के लिए हम यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। हमें दोनों आस्तीन एक साथ निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से कि हमारे यहाँ पे दोनों आस्तीन निकल जाए। इसके लिए हमें आस्तीन की लेंथ लेनी है 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच पर मार्क करेंगे और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा आस्तीन के लिए। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे सीधी। ये एक्स्ट्रा है जो हमारी सिलाई फोल्डिंग में आएगी। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए गोल शेप ले लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ पे 4 इंच पे चौड़ाई 4 इंच पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। हम इसके लाइन खींच लेंगे।
इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और हमें एक्स्ट्रा भी लेना है, तो एक्स्ट्रा के लिए हमें 1.5 इंच रखना है। तो ये हमारा 1.5 इंच भी रख लिया हमने। अब हम इसे कट करेंगे, हमें इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद हमने आस्तीन कट कर ली है। कट करने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि हमने दोनों आस्तीन की कटिंग कर ली है। ये हमने दोनों आस्तीन की कटिंग कर ली है। करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि दोनों आस्तीन देखिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कॉलर की कटिंग। तो कॉलर की कटिंग के लिए मैंने ये कपड़ा ले रखा है और ये मैंने कैनवास ले रखा है। अगर आप चाहें तो चिपकाने वाले भी कैनवास आता है, आप प्रेस के सहायता से चिपका सकते हैं गर्म करके। और ये पोंछे में लगाने वाला कैनवास है, मैं उसे यूज़ करूँगी। तो ये हमारा कॉलर भी कंप्लीट हो चुका है कट के। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पट्टी, फ्रंट में नेक के पास पट्टी जो हम लगाएंगे वहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे और 7 इंच पे मार्क करके कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद हम पट्टी को थोड़ी ये चौड़ी हो रही, तो हमें पट्टी को 3 इंच लेनी है। 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को 3 इंच ले रखी है और लेंथ इसकी कट के 7-9 इंच है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की रेडी कर रखी है कटिंग करके। तो मैं आपको बता देती हूँ इसे हमें कहाँ पे अटैच करना है। तो ये हमने फ्रंट का ले रखा है पार्ट, तो फ्रंट का सूट हमारा सीधा होगा। ये हमारी पट्टी उल्टी साइड से लगेगी। तो हमें इस तरह से लगा के फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हमारे सारे पार्ट कट चुके हैं। कटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सिल के ये हमारा कुर्ती रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।